कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का बात कर रहे थे पहले। जैसे ही परमानेंट टिश्यू का बात आएगा तो आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए, ये कैसा होगा, कंसिस्ट ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल्स। जो भी इसके सेल्स होंगे वो नॉन डिविजिबल होंगे, उनमें डिवीजन नहीं होगा, पहला बात आना चाहिए। दूसरा बात क्या होगा इसमें, और सेल्स ऑफ क्या, कॉमन फंक्शन, फंक्शन कॉमन ओरिजिन, ओरिजिन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर्स। एकदम रखिएगा, जैसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आए फंक्शन कॉमन होगा, ठीक है, ओरिजिन कॉमन होगा, लेकिन जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा सबका। जो कंस्टिट्यूएंट सेल्स होंगे उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, डिफरेंट होगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का बात है। टिश्यू जो होता है उसमें दो प्रकार के टिश्यू आते हैं, इट इंक्लूड्स फ्लोएम, इसमें जाइलम और फ्लोएम शामिल होता है। फिर इसमें हम जाइलम और फ्लोएम को पढ़ाएं तो शुरू करते पहले जाइलम, जाइलम सबसे पहला बात तो ये हो जाएगा, ए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स के सेल्स का बना होता है एंड फॉलोज, ठीक है। पहला है वेसल्स, दूसरा है ट्रैकी, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा, काइमा, और फोर्थ है जाइलम फाइबर। ये चार प्रकार के सेल्स हैं, इसमें कौन कौन है, वेसल, ट्रैकेट, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अब इन चारों की रचनाओं को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका ट्रैकिट्स होता है वो भी आपका इलोंगेटेड होता है, लेकिन इसके तुलना में वो आपका कम डायमीटर का होता है, या जिसका आपका जो ल्यूमेन होता है वो कम होता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, ये भी आपका, इसमें भी एक से ज्यादा सेल वॉल पाया जाता है, मतलब ये थिक वॉल होता है, लेकिन ये जो थिक वॉल होता है इसमें कहीं कहीं जो है ना पीट्स पाए जाते हैं। पीट्स का मतलब होता है वह एरिया
जहां पर प्राइमरी सेल वाल तो है लेकिन सेकेंडरी सेल वाल नहीं है। हाँ, वो एरिया जहां पर प्राइमरी सेल वाल है लेकिन सेकेंडरी सेल वाल नहीं है उसको कहते पीट्स। पीट्स तो इसमें जो है आपका पीट्स ज्यादा होता है और डायमीटर भी कम है उसका। जस्ट इसके बगल में जो है ना वो आपका जलन पैनिकेमा का बात हो जाएगा। जलन पैनिकेमा जो होता है सेल्स वो रेडियली इलांगेटेड होता है, मतलब रेडियस में होता है सजा हुआ, जबकि ये सब इलांगेटेड है। इसमें आपका ढेर सारा स्टार्च वगैरह पाया जाता है, स्टार्च ग्रैनुल्स होते हैं, ठीक है। इसमें स्टार्च ग्रैनुल्स भरा होता है पूरा। नेक्स्ट जो बात हम करते हैं वो है आपका जाइलम फाइबर्स का। तो जाइलम फाइबर्स भी इलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, थिक वॉल्ड होता है, इस तरह का रचना है। ये पूरा का पूरा जो है आपका जाइलम है। जाइलम में क्या क्या था भाई, तो हम जरा लेबलिंग पहले कर लें। सबसे अंदर का जो ये है आपका स्ट्रक्चर, इसका नाम है वेसल्स, वेसल। उसके बाद एक है आपका, एक और इलॉन्गेटेड रचना है, इसका नाम है ट्रैकिड, ट्रैकिड। और उसके बाद की जो रचना है उसका नाम है जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। और उसके बाद का जो रचना है सबसे बाहर में वो है आपका जाइलम फाइबर्स, फाइबर। देखो ये जो वेसल और ट्रैकिड्स होता है ये थीक वाल्ड होता है, मतलब आपको हम कल भी बताए थे कि अगर थीक वाल्ड कहा जाएगा तो सेल वाल की संख्या एक से ज्यादा होगी। थीक वाल्ड होता है और ये डेड होता है, ठीक है। जबकि जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो थिन वॉल्ड होता है और वो कैसा होता है, लिविंग होता है, जीवित होता है। जबकि जाइलम फाइबर जो है, जाइलम फाइबर जो होता है ये भी थिक वॉल्ड होता है, वॉल्ड, और कैसा होता है, डेड होता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही थिन वॉल और लिविंग होता है, बाकी जो कंस्टिट्यूएंट सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं, थिक वॉल होते हैं। इसका जो ल्यूमेन होता है वो कैसा होता है, वाइड ल्यूमेन होता है। वाइड का मतलब चौड़ा और ल्यूमेन मतलब स्पेस। ये है इंड वॉल, इंड वॉल जो इसका होता है ना, इंड वॉल जो है ना उस इंड वॉल इसको बोलते हैं। ये क्या है, वॉल बिटवीन कंस्टिट्यूएंट सेल्स, कंस्टिट्यूएंट सेल्स ना, कंस्टिट्यूएंट सेल्स के बीच का है दीवार, इंड वॉल जिसको बोल रहे हैं। ये जो आपका होता है वो कैसा होता है, वो आपका थिक वॉल्ड होता है, ठीक है। ये इसमें परफोरेटेड होता है, कंप्लीटली जो है ना वो क्या हो जाता है, खुल जाता है, कंप्लीटली डिजॉल्व होता है। ये आपका कंप्लीटली डिजॉल्व होता है, कंप्लीटली डिजॉल्व, पूरी तरह से आपका खुला हुआ होता है, ठीक है। जबकि अगर आप इसमें आ जाओ, इसमें ल्यूमेन ऑफ ट्रैकिड, ल्यूमेन ऑफ ट्रैकिड का बात करो तो ये कैसा होता है भाई, कंपैरेटिवली लेस होता है ना, कम होता है। इसमें जो इंड वॉल होता है, ये इंड वॉल है,
यहाँ तीन वाले से लिखो नहीं करते हैं, तो ये सिंपली परफोरेटेड होता है, परफोरेटेड होता है, ये सिर्फ परफोरेटेड है। इसलिए इसमें जो एसिड ऑफ सेट होता है, मूवमेंट जो होता है आपका, इसमें एसिड ऑफ सेट होता है तेजी से, मतलब वाटर और साल्ट जो है तेजी से चलता है, जबकि इसमें जो होता है रफ्तार कंपेरेटिवली स्लो होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो होता है एसेंट ऑफ सेट, ये छोड़ो, यहां पर नहीं लिखते हैं, अलग लिख देंगे। वेसल जो होता है इसमें एसेंट ऑफ सेट क्या होता है, फास्ट होता है, क्विक होता है। क्यों? क्योंकि उसका लुमेन ज्यादा है, उसका डायमीटर ज्यादा है। और देखो जो बीच में आपका दीवार था सेल्स का बना हुआ, दो कई सेल्स एक दूसरे के ऊपर जुड़ जाते हैं, तो उससे क्या बनता है, आपका वेसल और ट्रैकिस्ट बनता है। तो ये जो आपका वेसल देख रहे हो उसमें जो इंड वाल होता है ना, वो पूरी तरह से खुल जाता है, जिससे तेजी से जो है ना पानी और खनिज लवण, वाटर और मिनरल जो है ना ऊपर की तरफ मूव करता है। आप ऐसे समझ लो, बांसुरी देखे होंगे, बांस का बांसुरी जो होता है उसमें क्या होता है, तो जो बांस का बांसुरी होता है उसमें जो बीच बीच में पोर होता है, छेद होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से खोल देते हैं। तो क्या होता है, पूरा पाइप नुमा रचना बन जाता है यहां से वहां तक। और वो जो पाइप नुमा रचना है, अब उसमें क्या होता है, हवा तेजी से जा सकता है, पानी तेजी से जा सकता है, लेकिन अगर उसको नहीं तोड़ते, नहीं बीच में जो आपका क्या था उसका उसका जो आपका अलग अलग, जैसे देखो एक पोर ये हो गया, एक पोर ये हो गया, एक नोड ये हो गया, एक नोड ऐसे जुड़ा रहता है, दोनों के बीच का जो दीवार है उसी को दीवार बोल रहे हैं। तो बासुरी में देखते हो पूरा के यहां से वहां तक खोल देते हैं, तो क्या होता है, नली बन जाता है। लेकिन ऐसे सिंपल बांस हो तो क्या होता है, जहां जहां गांठ होता है वहां वहां पर क्या होता है, बंद होता है। ट्रैकिस में यही स्थिति होता है, जहां जहां गांठ होता है, मतलब सेल्स आपस में मिलते हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट सेल्स, जैसे हम एक सेल दो सेल ऐसे मिला रहे हैं, ऐसे जब कंस्टिट्यूएंट सेल्स मिलते हैं तो जहां पर मिलते हैं ना वहां पर कैसे होते हैं, परफोरेटेड होते हैं। तो इसमें ऐसे जब सेल क्या होता है, धीमा होता है, हाँ इसका रेट कम होता है, जबकि आपका जो वेसल है उसमें आपका एसेंट ऑफ सेट क्या होता है, काफी तेज होता है, काफी फास्ट होता है। तो ये आपको जाइलम का रचना बता दी, हाँ जाइलम आपका समाप्त हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये ट्रैकिट्स और वेसल आपको दिखाना चाह रहे हैं, देख लीजिए। इसमें आप क्या देख रहे हो, ये है, हाँ इसको पहले हमको ऊपर ले आने दो, हाँ ट्रैकिट्स और वेसल को, तो यहाँ पर हम वेसल और ट्रैकिट्स को देखना चाह रहे हैं। देखो ये देख रहे हो ना, ये वेसल का एक सेल है, ऐसे एक सेल है, तो कई सेल्स जो है ना आपस में जुड़ गए हैं, तो देखो नली नुमा रचना बन गया यहाँ से वहां पर। जैसे कि कई बांस का जो है ना वो छोटे छोटे आपके पोर्स जुड़ जाते हैं तो बड़ा सा बांस बन जाता है वहां पर, यहाँ भी यही स्थिति है। अब ये देखो, ये जहां पर ऊपर वाला सेल ये आकर मिला है नीचे वाले के साथ, वहां पर क्या हुआ होगा बाबू, वहां पर जो है ना जो ये ऐसा दीवार होगा, इंड वाल होगा। तो इसमें देखो इंड वाल क्या है, पूरा खुल गया है, देखो पूरा खुल गया है ना, खुला हुआ है। जबकि इसमें क्या होता है कि इसमें पूरी तरह से नहीं खुलता है, इसमें देखो ऐसे केवल पोर्स होता है, देखो पूरा नहीं खुला है, इसमें देखो पूरा खुल गया है। तो ऐसे जब सेप इसका क्या होता है, तेज होता है, प्लस इसमें देखो डायमीटर इसका अंदर का ज्यादा है, ल्यूमेन ज्यादा है, और इसका ल्यूमेन देखो कम है। देखो पीट्स, ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है पीट्स है, देखो छेद, ये पीट्स आपको यही पीट्स है। देखो यहाँ पर प्राइमरी पीट्स का किसको कहते हैं, वैसा एरिया थिक वाल सेल्स में जहां पर आपका प्राइमरी सेल वाल तो है लेकिन सेकेंडरी सेल वाल नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, पीट्स कहते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिस और वेसल ये आपको हम डायग्रामेटिकली दिखा रहे हैं। फिर आपको देखो बगल में आपका जाइलम पैरेन्काइमा है, ठीक है, इसमें पूरा स्टार्च भरा होता है, जो फूड स्टोरेज करता है ना वो इसी में करता है, और जो ट्रांसपोर्ट करना होता है मटेरियल्स का, किसको, वाटर और मिनरल्स को, वो करता है वेसल और किससे, ट्रैकिस। अब बात करते हैं हम लोग फाइबर्स का, फाइबर देख रहे होंगे धागा जैसा है, इलास्टिक है,
और एक वाल है, देखो दो सेल वाल है, बाहर भी है और एक सेल वाल अंदर भी है ना, दो सेल वाल नजर आ रहा है साफ साफ, इन सब में भी दो दो सेल वाल है सब में, लेकिन जालन परिक्रमा में देखोगे तो केवल एक सेल वाल है। ये आपको जालन हो गया, आपको जो है ना ये तो हो गया जालन पूरा का पूरा। अब हम जालन का जो है ना ये आपके स्क्रीन शॉट ले लिया होंगे आप, अब हम जो है ना फ्लोएम का, फ्लोएम जो है उसमें भी चार प्रकार के सेल्स होते हैं। हाँ, एक है सीव ट्यूब, जिस तरह से जाइलम वेसल था कई कंपोनेंट्स के मिलने से बना था, वैसे ही सीव ट्यूब भी जो है ना कई कंपोनेंट्स के मिलने से बना है, कई सेल्स के आपस में मिलने से बना है, और उन सेल्स को हम लोग कहते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट। पूरे जो यहां से वहां तक नली है, वे फिगर भी बनाएंगे बोर्ड पे तो आपको और समझाएंगे, ये जो पूरा यहां से यहां तक ये जो पूरा बड़ा सा नली जो नजर आएगा यहां से पूरा, इस पूरे नली को बोले सीव ट्यूब। और इसमें जो ये आपका यूनिट है, एक एक सेल्स जो है जो मिलके बने हैं आपस में इलोंगेटेड सेल्स, इसको बोलते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट। तो सीव ट्यूब जो है उसके यूनिट को बोलते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट। इसमें बाबू फ्लोएम में बोल रहे थे, अब फ्लोएम में भी जो कंस्टिट्यूएंट सेल्स होगा उनका इंड वाल होगा, इंड वाल होगा। ये जो इंड वाल है मतलब कई सेल्स जो आपस में जुड़े हैं, देखो यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये सेल, तो यहाँ भी क्या होगा ऐसा एक प्लेट होगा एक, जिस जो दोनों के दोनों सेल के सेल वाल के मिलने से बना होगा। और प्लेट जो होता है ना पूरा पोरस होता है, छिद्रदार होता है, और इसको कहते हैं सीव प्लेट। सीव मतलब होता है चलनी, चालनी। घर में आप लोग जो चलनी होता है ना, घर में हम लोग जो कई पदार्थों को कई अनाजों को एक दूसरे से अलग करते हैं, तो वो जो चलनी होता है ना, चलनी का जो प्लेट होता है ना, उसको सीव बोल सकते हैं। सीव मतलब चलनी होता है और प्लेट मतलब चलनी का प्लेट। तो ये जो है ना ये क्यों बना है भाई, तो कई सेल्स जो थे सीव ट्यूब के वो आपस में जब जुड़ते हैं तो उनका जो इंड वाल होता है वो आपका पोरस हो जाता है, छिद्रदार हो जाता है, और उसी को कहते हैं सीव प्लेट। अब यहाँ पर देखो जस्ट बगल में सीव ट्यूब के बगल में कंपेनियन सेल्स है। जितना बड़ा बड़ा सेल्स होगा उतना ही बड़ा बड़ा कंपेनियन सेल्स होगा। प्रत्येक सीव ट्यूब एलिमेंट मतलब एक सीव ट्यूब का जो यूनिट था सीव ट्यूब एलिमेंट, उसके लिए एक एक कंपेनियन सेल्स होता है। कंपेनियन सेल्स में बीच में काला जैसा कुछ बड़ा सा देख रहे होंगे, ये उसका न्यूक्लियस है, केंद्रक है, इसका न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है। तो आपसे पूछता है कि सीव ट्यूब में न्यूक्लियस होता है क्या, तो सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है। ये जो सीव ट्यूब देख रहे हैं सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये जो आपको नजर आ रहा है वो आपको क्या है, वो आपको पोर्स नजर आ रहे हैं। लेकिन जब जो बगल में उसका इलोंगेटेड सेल्स एक और है जिसका नाम है कंपेनियन सेल्स, सहायक सेल्स, उसमें जो आपका होता है न्यूक्लियस वो क्या होता है, काफी बड़ा होता है। नेक्स्ट है फाइबर्स। फाइबर जो होते हैं ना वो थिक वाल्ड होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं कुछ हद तक वैसे ही जैसा कि जाइलम में हम लोग देखे थे। उसके बाद अगला है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा भी वैसा ही होता है जैसा कि हम जाइलम पैरेन्काइमा में देखे थे। तो ये आपको बता रहे थे थिन वाल्ड होता है ना, यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसा है, थिन वाल्ड है। सीव ट्यूब भी कैसा है, थिन वाल्ड है, लेकिन जो फाइबर्स है ना वो थिक वाल्ड है। कंपेनियन सेल्स भी कैसा है, थिन वाल्ड है, लेकिन आपका फाइबर जो है ना वो कैसा है, थिक वाल्ड है। तो यहाँ पर तीन जो आपके कंपोनेंट्स हैं, तीन जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपका थिन वाल्ड और लिविंग है। कौन कौन, पहला सीव ट्यूब, दूसरा कंपेनियन सेल्स, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों के तीनों थिन वाल्ड और लिविंग होते हैं, जबकि वो जो फाइबर्स है वो थिक वाल्ड होता है और डेड होता है। ये आपको बता रहे थे किसके बारे में, फ्लोएम के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है प्लांट का, इसमें क्या हो जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स सेल्स एज, कौन कौन है,
पहला है सीव ट्यूब, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, सेल्स तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा और चौथा है आपका फ्लोएम फाइबर। ये इसके कुछ सेल्स हैं। अब इसका फिगर पहले देख लेते, उसके बाद जाइलम और फ्लोएम दोनों का फंक्शन अलग से बता देंगे। तो फिगर में अगर बात करते हो तो सबसे पहले सीव ट्यूब का बात करते हैं। सीव ट्यूब जो होता है वो थीर वाल होता है, मतलब कितना सेल वाल, एक सेल वाल होगा। इसके जो इंड वाल होंगे वो आपका पूरी तरह से क्या होगा, पोरस होगा, मतलब उसमें सीव लाइक स्ट्रक्चर होगा। सीव मतलब चलनी, ऐसे आपके घर में जो चलनी है ना वैसा कुछ। इसके जस्ट जो है ना सटे हुए कुछ सेल्स होते हैं सजे हुए, और उनको कह रहे हैं कंपेनियन सेल्स। इसका वो आपका जो न्यूक्लियस होता है काफी बड़ा होता है, ये भी थिन वाल है। इसके बाद आपका एक और प्रकार का इसका कंस्टिट्यूएंट्स है जिसका नाम है जाइलम पैरेन्काइमा। ये आपका स्टोरेज ऑफ फूड करता है। इसके बाद आपका था फ्लोएम फाइबर, इलॉन्गेटेड सेल था ऐसे, जैसा कि हम लोग जाइलम में देखे थे ऐसे फ्लोएम फाइबर्स। अब इसको और लेबलिंग कर रहे थे, ये पूरा का पूरा क्या है बाबू, फ्लोएम है। ये तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, फ्लोएम बनाए हैं। अब फ्लोएम में किसको क्या बोल रहे थे, सो बात कर रहे थे। मैं तो इसको और ऊपर से लेके चलो, तो ये था सीव ट्यूब। इसका नाम है कंपेनियन सेल, उसके बाद है ये बचा, इसका नाम है फ्लोएम पैरेन्काइमा, काइमा, ठीक है। और उसके बाद का जो रचना है फ्लोएम पैरेन्काइमा के बाद का रचना है उसका नाम है फ्लोएम फाइबर, फाइबर। ये पूरा का पूरा फ्लोएम है, फ्लोएम है एक साथ। इसमें ये जो देख रहे हो आप सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों के तीनों जो होते हैं कैसे होते हैं, थीन वाल होते हैं। और कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। लेकिन ये जो फ्लोएम फाइबर है ये कैसा होता है, थीक वाल होता है, वाल। और कैसा होता है, डेड होता है, थीक वाल डेड होता है। अब इसमें ये जो इंड प्लेट है, इस इंड प्लेट का नाम बताया आपको सीव प्लेट, प्लेट, ठीक है, सीव प्लेट। उसमें जो पोर्स नजर आ रहा होगा आपको, कुछ पोर्स है ऐसे, इसको बोलते हैं सीव एरिया, सीव एरिया। ये है क्या सीव एरिया,
Pois é. Metier. आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि सीव ट्यूब जो होता है वो जिंदा होता है लेकिन उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। कंपेनियन सेल्स जिंदा होता है, इलॉन्गेटेड सेल होता है और उसमें बड़ा न्यूक्लियस होता है जिसके मदद से ये जो आपका सीव आपका ट्यूब है वो काम करता है। तो सीव ट्यूब की जो गतिविधियां हैं वो नियंत्रित करने के लिए एक न्यूक्लियस जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। किसमें बाबू? तो न्यूक्लियस आपका कंपेनियन सेल्स में पाया जाता है। तो आपको यहाँ पर जो इनमें और कुछ खास नहीं था, हम फंक्शन का बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? और वो फंक्शन है किसका? जाइलम का और फ्लोएम का। तो एक सेमेटिक स्टार करके लिखेंगे फंक्शंस ऑफ जाइलम। जैसे ही कोई पूछेगा कि जाइलम का क्या है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एसेंट ऑफ सेट, एसेंट ऑफ सेट मतलब मूवमेंट ऑफ मेन ऑफ वाटर प्लस साल्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट अगर मूव कराता है तो उसको कहते हैं एसेट ऑफ सेट। ध्यान रखिएगा ये काम है किसका? जैलम का। और ऐसे आपको पहले भी बताए थे याद रखने का तरीका कि जैसे जाइलम जैसे जल। जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? जल का। लेकिन अगर फंक्शन ऑफ फ्लोएम का बात किया जाए तब क्या हो जाएगा? तो अगला हम बात कर लेते हैं विस्तार करके फंक्शंस ऑफ फ्लोएम। इसका बात कर लेते हैं इसका क्या हो जाएगा? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन जिसका मतलब होता है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम कहां से लीड्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के अदर पार्ट्स तक ले जाता है। और ये क्या करता है? एसेंट ऑफ सेट कहां से? फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। और रूट से लीव तक करता था एसेंट ऑफ सेट, ठीक है? जबकि फ्लोएम का काम क्या है? फूड। फर्से फूड ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो ये आपको कुछ बता रहे थे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। अब हम इन प्लांट इसका बात करते हैं। जो भी प्लांट्स है उसमें मुख्यतः दो प्रकार के आपके प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं जो दो काम करते हैं। पहला काम तो ये करते हैं कि ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट बॉडी को अनफेवरेबल कंडीशन से या पैथोजन से, है ना? आपका मौसम जो वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है सर्दी गर्मी हो रही है उससे बचाता है प्लांट बॉडी को। और दूसरा बचाता है किससे? पैथोजन से, डिजीज काउंटिंग ऑर्गेनिज्म से बचाता है। तो इसमें लिखेंगे ये काम आपका बता दिए हैं। दूसरा जो है इसका और क्या काम है कि ये इसके अलावा ये आपका एंड
helps in gaseous exchange for photosynthesis and respiration. वो सबके अलावे ये इसमें और मदद करता है, इसमें गैसियस एक्सचेंज में जो उसको फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के समय उसमें होता है. प्लस एक काम इसका और है, क्या और बीट एंड का भी काम करता है. तो प्रोटेक्टिव टिश्यू का मुख्य काम क्या हो जाएगा, पहला तो इन्वायरमेंटल चेंजेस से बचाना और पैथोजन से बचाना, दूसरा है गैसियस एक्सचेंज और तीसरा क्या है एब्जॉर्प्शन. ये चार काम आप या तीन काम आराम से आप बता सकते हो. अब यहाँ पर प्रोटेक्टिव टिश्यू होता कितना प्रकार का है, तो अगला पॉइंट लिखिएगा प्रोटेक्टिव टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स मेनली है. पहला है इपीडर्मिस और दूसरा है कॉर्ड. ये दो है, इपीडर्मिस है और दूसरा है कॉर्ड. इपीडर्मिस जो है ना उन सेल में पाया जाता है या उन जगहों पर पाया जाता है जहां पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है. ये मेनली इन पार्ट्स लैक सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब समझते हो, इंक्रीज इन डायमीटर. जो डायमीटर में वृद्धि को नहीं करता है मेनली वैसे पार्ट्स में पाया जाता है, मतलब कि जो आपका न्यूली जो आपका प्लांट्स है जो नवजात पौधे हैं उनमें ये पाया जाएगा स्टेम में रूट में. नहीं तो ये जो होता है कॉर्ड में बदल जाता है. ये क्या होता है मेनली इन पार्ट्स वेयर सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस. जहां पर सेकेंडरी ग्रोथ हुआ है मेनली कॉर्ड जो होता है ना उसी रीजन में पाया जाता है, ठीक है. और प्राइमरी ग्रोथ जहां पर हुआ है या जहां सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुआ है वहां पर पाया जाता है कौन बाबू, इपीडर्मिस, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आउटर कवरिंग के रूप में होता है. तो क्या लिखेंगे, पहला आपका इपीडर्मिस का बात कर लेते. इपीडर्मिस तो यहां पर इपीडर्मिस में लिख सकते हो आउटर मोस्ट लेयर लेयर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स. जो भी आपके भाग होंगे उन सब पर या इन ऑलमोस्ट क्यों लिखे, ऑल पार्ट्स लिख दो ना केवल, इन ऑल पार्ट्स ऑफ ऑल पार्ट्स. केवल यही है कि वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुआ है. अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा तभी ये हो जाएगा, आपको जैसा कि हम अलग से बता चुके हैं. ये जो है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल पार्ट्स एंड
forms continuous covering कंटिन्यूअस कवरिंग बना देता है। अब इसके ऊपर में क्यूटकिल भी हो सकता है, क्यूटकिल पाया जाता है, ठीक है ना। अब क्यूटकिल भी हम यहां पर नए तो लिखी लेयर का होता है, सिंगल लेयर का होता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, मोस्टली सिंगल लेयर लेयर एंड कवर्ड थ्रू क्यूटिकल क्यूटिकल द क्यूटिकल इज वैक्सी लेयर वैक्सी लेयर हेंस प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम एनवायरमेंट कॉमा पैथोजेंस एंड प्रिवेंट वाटर लॉस एंड इम्परवियस इम्परवियस लेयर इम्परवियस लेयर। अब आदर्शक लेयर के रूप में ये क्या होता है, आपको प्रोटेक्ट करता है कौची सेवा को, ये आपको प्रोटेक्ट करता है इन सब से, वाटर लॉस को भी रोकता है। नेक्स्ट जो बात, इसके कुछ काम्स को देख लेते, इसमें जो है कई स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, ठीक है, इस पे कई स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, वो आपका उसका बात कर ले। इट ऑल्सो कंटेन्स हेयर्स एंड माइन्यूट पोर्स एंड स्टोमाटा, उसमें हेयर्स भी पाया जाता है और कुछ माइन्यूट पोर्स भी पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्टोमाटा कहते हैं। बस इतना ही बात था। और एपिडर्मिस का जो लेयर है उसके बारे में आपको हम बता रहे थे, यहाँ पर उसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये जो है आपको कहाँ पर है और क्या है, एक सनफ्लावर का स्टेम लिए है, उसको काटे है। देखो सबसे बाहर का जो लेयर होता है वो आपका पारदर्शक होता है, वैक्सी लेयर होता है, उसी को कहते क्यूटिकल। ये नॉन सेलुलर होता है अर्थात बिना सेल वाला होता है। उसके बाद दूसरा जो आपको उसके जस्ट अंदर घुसोगे तो एक देखो एक लेयर है सेल्स का, ये एपिडर्मिस है। यहाँ पर वो फर्स्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाद अंदर जब घुसते हैं तो कॉलन काइमा है, आपको कल हम लोग पढ़े थे कॉलन काइमा, जो इनर आपका जो कॉर्नर होता है वो थिक वाल होता है। उसके बाद पैरेन्काइमा है, फिर इंडोडर्मिस वगैरह है बना हुआ। तो यहाँ पर हम एपिडर्मिस आपको दिखाना चाह रहे थे, अंदर में देखो जाइलम फ्लोएम भी आपको नजर आ रहे हैं, तो जाइलम फ्लोएम इसमें आपको भी यहाँ पर देख सकते हैं, आप पीथ देख सकते हैं। तो ये सब अभी आपको ज्यादा क्लियर नहीं करना है, केवल इतना ही जान लेना है कि ये सब रचनाएं हैं जो आपको पाई जाती है स्टेम में रूप में। अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते तो नेक्स्ट जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आते आपको, अब देख लो थोड़ा सा ये हम एपिडर्मिस को दिखा रहे हैं ऊपर से। एपिडर्मिस पर कुछ माइन्यूट पोर्स होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टोमाटा बोलते हैं।
और इसको माटा को जो घेर के रखता है ना उसको गार्ड सेल बोलते हैं, और उसको गार्ड सेल को जो आपको घेर के रखता है उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी सेल बोलते हैं। हाँ ये सब इपिडर्मल सेल है और उसी का मॉडिफिकेशन है सब्सिडियरी सेल्स और कौन गार्ड सेल्स। ये देख रहे हो ये हेयर्स है, आपको अभी बताए थे कि कुछ हेयर्स पाए जाते हैं किस पर, इपिडर्मिस पे। तो ये आपको ये फिगर हम लोग देख रहे थे। अब देखो ये जो आपका है यहाँ पर इपिडर्मिस जो देख रहे हैं आप, मल्टी लेयर्ड है, मल्टी लेयर्ड इपिडर्मिस। ये आपको पाया जाता है बनियान में। हाँ बनियान आप नाम सुने होंगे, बरगद, उसकी पत्तियों को देखिएगा थोड़ा सा ज्यादा टफ होता है, वो टफ होता है मतलब कड़ा होता है, वो यही कारण से कि उसमें जो इपिडर्मिस है ना वो एक से ज्यादा लेयर में है। उसके बाद बगल में आ जाइए, ये बुलिफॉर्म सेल्स है। बुलिफॉर्म सेल्स क्या होते हैं, इपिडर्मल सेल्स होते हैं, और ये बंद जो है ना स्टोमाटा बंद है आपका, इसको पत्तियों को खोलने में मदद करते हैं। शुरुआत में जो पत्तियां निकलती है ना पेड़ों से देखिएगा वो आपका गोलाकार रूप में बंद होती है, जैसे केला वाला में देखे होंगे अक्सर, और वो धीरे धीरे फैल जाती है। तो ये जो बुलिफॉर्म सेल्स है ना वो फैलने में मदद करता है। खैर ये हम आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहे थे, फिर हम यहाँ पर एक पत्ती को दिखा रहे हैं थोड़ा मैग्नीफाइंग करके, हाँ बड़ा करके। तो वहां पर आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर एस्टोमाटा आपको जहां तक देखिए धंसा हुआ छिद्र जैसा नजर आ रहा है। अब एस्टोमाटा जो होता है उसमें दो प्रकार के गार्ड सेल्स हो सकते हैं। एक जो गार्ड सेल्स होता है ना वो आपका डंबल शेप देखिए लिखे हैं हम लोग, डंबल शेप, हाँ वो आपका डंबल जो होता है ना व्यायाम करने वाला वैसा। और एक में देखो दो वो जो गार्ड सेल है, दो सेल होता है जो स्टोमाटा को बंद करता है खोलता है, ये बीच में जो पोर है ना इसी को स्टोमाटा बोल रहे हैं। तो इसमें जो गार्ड सेल है वो आपका कैसा है, बीन शेप्ड है, बीन वो जो सेम होता है ना सीम, सेम के बीज के जैसा होता है इसका, बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ है भाई। और उसके बाद चारों तरफ ये जो सेल्स नजर आ रहे हैं पीले पीले जैसे आपको, ये सब्सिडियरी सेल्स है। ठीक है उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, ये जो आपके दो सेल्स नजर आ रहे हैं दो दो के इवनिंग में, ये आपके गार्ड सेल ही हैं लेकिन ये मोनोकॉट में है और ये डाइकॉट में है। डाइकॉट में कैसा होता है, बीन सेप्ड, बीन मतलब वो क्या बोलते आपको सेम के बीज जैसा होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मोनोकॉट में ध्यान रखना है, मोनोकॉट किसको बोलते हैं भाई, इसमें मोनोकॉट किसको बोलते हैं तो आराम से बताना। मोनोकॉट वैसे आपके पौधों को बोलते हैं जिसके सीड में केवल एक दाना होता है, हाँ उसको क्या बोलते हैं, मोनोकॉट बोलते हैं। और वैसे पौधे जिनके सीड में जो है ना एक से ज्यादा दाना होता है दो, तो डाइकॉट बोलते हैं। जैसे आप चना को देख लो, चना को खोलो अंदर से कितना दाना निकलता है, दो दाना निकलता है, तो चना क्या हो गया, डाइकॉट। लेकिन धान है गेहूं में उसमें अंदर से कितना दाना निकलता है, एक, तो क्या हो जाएगा, मोनोकॉट हो जाएगा। अभी मकई है, मकई में अंदर से एक एक चावल जैसा निकलता है, मोनोकॉट है। जो भी ग्रासेस है ना वो मोनोकॉट में आते हैं, हाँ पीछे को छोड़ दे तो। जैसे चना आपका डाइकॉट है, मटर क्या है, डाइकॉट है, उसमें से दो निकलता है। आम का बीज को देखना, आम के बीज को लोगे अंदर में जो एक बीज निकलता है उसको खोलो तो अंदर से दो उजला जैसा निकलता है, तो क्या हो गया, डाइकॉट हो गया। और जिसके बीज में सीड में केवल एक निकलेगा दाना जैसा तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोकॉट बोलेंगे। ये ध्यान रखिएगा मोनोकॉट और डाइकॉट में। तो ये आपको गार्ड सेल दिखा रहे थे, ये गार्ड सेल जो ना ये डाइकॉट का है और ये जो गार्ड सेल है वो किसका है, मोनोकॉट का है, पत्तियों का। हाँ ये इपिडर्मल जो है ना सेल्स है, देखो ये आपका पॉटेड प्लांट है और रोहियों का ये हम लोग लगाते हैं घर में, वो आपका खूब स्मार्ट नजर आता है उसका पौधा, हाँ अच्छा लगता है देखने में, तो लोग लगाते हैं सॉरी प्लांट के रूप में। और उसको जब देखोगे ना तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है, देखो स्टोमाटा है जहां तक और ये इपिडर्मल सेल्स है। तो ये आपको हम कुछ बता रहे थे किसके बारे में, एस्टोमाटा के बारे में और क्या इपिडर्मल सेल्स के बारे में। बाकी जो है ना हमको लगता है कि आप आराम से उसको आप किताब जैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी पढ़े हो आप, अगर किसी को भी यहाँ पर कुछ लगे कि नहीं ज्यादा है तो पूछ सकते हो आप, लेकिन फिलहाल हम जो है ना अभी आगे कौन आपको क्या बोले,
पुराने जो होंगे ना प्लांट्स उनमें पाए जाएंगे। अभी आपको बोले ना जो नया प्लांट्स होगा उसमें कॉर्क में ही पाया जाएगा, और किसमें होगा, पुराने प्लांट बॉडी में होगा। ठीक है, अर्थात इसका निर्माण सेकेंडरी ग्रोथ के बाद होता है। हाँ, मोटा होने के बाद, जब आपका पौधा मोटा होने लगता है तब इसका इसका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आर प्रेजेंट या कॉर्क इज प्रेजेंट प्रेजेंट इन ओल्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स मेनली इन डाइकॉट, मेनली डाइकॉट्स में पाया जाता है, मोनोकॉट में ये ना के बराबर या नहीं होता है। अब इस सबका काम क्या था, नहीं था, वो सब कैसे वो समाप्त हो गया। जो भी आपको समस्या में आ जाना चाहिए, जैसे ही कोई बोले एनिमल टिश्यू तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए प्रेजेंट इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स, जो भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स होंगे उसमें ये पाया जाएगा। ठीक है, बाकी तो टिश्यू किसको कहते हैं वो आपको बताए ही थे, और ये टिश्यू करता क्या है भाई, तो विशेष प्रकार के काम को करता है। एनिमल टिश्यू जो होता है इसके फिगर को पहले हमको बताना पड़ेगा। एनिमल टिश्यू में आपको पहले भी बताए थे कि जो एनिमल टिश्यू होते हैं उसमें दो रचनाएं होती हैं, एक तो सेल्स होता है और दूसरा जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, सेल्स के बीच में मैट्रिक्स पाया जाता है जो उसका सिक्रीशन होता है। तो ऐसा बात आपको बताए थे। फिर एनिमल टिश्यू होते कितने प्रकार के हैं, तो हम यहां पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू ऑफ फोर टाइप्स है। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा थर्ड मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। ये चार प्रकार के टिश्यू हैं। ये टिश्यू करते क्या है और कैसे होते हैं इसको आप लोग कल देखते हैं, और कल